अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 5 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं, और उसका ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड सिंपल इनइक्वालिटीज़। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वो डिस्क्रिप्शन में से लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, और वहाँ पर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम कंटेंट एक ही जगह पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सॉल्यूशन हब के नेम से, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो भी आप लाजमी विजिट करें। वहाँ पे भी आपको इस कंटेंट के हवाले से, इस कोर्स के हवाले से बहुत सी एक्टिविटी नज़र आएगी, और अगर आपको कोई सजेशंस देनी हो मुझे, कोई आपके क्वेश्चंस हो मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो वो भी आप वहाँ पर मेरे से पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आपके सामने है, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। मैं यहीं से रीड करूँगा, इसको यहीं से समझेंगे और फिर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं यहाँ पर, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आइए पहले इसको रीड करते हैं, इसके कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं और देखते हैं इसमें क्या स्टेटमेंट दी हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड अ फार्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने बेसिकली फार्मूला फाइंड आउट करके दिखाना है, ये ए से लेकर डी जो पार्ट्स लिखे हुए हमारे पास, इन ये कोई ना कोई फार्मूलाज हैं, ये आपने बेसिकली आप कह लें बना कर दिखाने हैं, जिसको हम कह रहे हैं फाइंड करके दिखाना है। तो ये फार्मूलाज आपने जस्ट बना कर दिखाने हैं, स्टेटमेंट में इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं इसमें जो भी चीज़ लिखी हुई है जस्ट आपने उसको मैथमेटिकली यहाँ पर राइट डाउन कर देना है, वही उसका फार्मूला कहलाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर ए से। तो अगर आप पार्ट नंबर ए देखें, उसमें लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ ताकि चीज़ें आसान रहें। लिखा हुआ है प्रोडक्ट पी ऑफ थ्री नंबर्स एक्स वाई एंड जी। प्रोडक्ट पी ऑफ थ्री नंबर्स, मैं नंबर्स को शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, एक्स वाई एंड जी। तो पहला क्वेश्चन ये, यानी आपने एक ऐसा फार्मूला बनाकर दिखाना है जो एक्स वाई और जी का क्या करे, प्रोडक्ट करे। अब प्रोडक्ट का मतलब आप लोगों को पता है होता है मल्टीप्लाई, और उन्होंने खुद से बता भी दिया है कि प्रोडक्ट को आपने पी से लिखना है, यानी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है अपने पी से। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पी, यानी पी फॉर प्रोडक्ट, और उसको क्योंकि फार्मूला बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको इक्वलिटी का साइन डालना पड़ेगा। तो ये हो गया पी इज़ इक्वल टू, कितने नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, एक्स का, वाई का और जी का, यानी तीन नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, यानी आपको इसको लिखना है एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जी। ये हो गया प्रोडक्ट, P फॉर प्रोडक्ट, कितने नंबर्स का, तीन नंबर्स का, x, y एंड z। और इसी चीज़ को आप ज़रा और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, यानी जब ये x, y और z आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो लाजमी इनका आंसर आएगा x, y, z मल्टीप्लाई होने के बाद। तो ये इसका आंसर हो गया। तो पहले पार्ट में जस्ट हमने यही लिख के दिखाना था कि प्रोडक्ट जो है तीन नंबर्स का x एंड y, x, y एंड z का क्या होगा, वो हमने लिख के दिखा दिया है कि वो होगा p इज इक्वल टू एक्स वाई जी। आप ये पहली वाली टर्म, पहली वाली इक्वेशन को भी कोट कर सकते हैं और दूसरी वाली को भी कोट कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है कि आप ये दूसरी वाली इक्वेशन जिसको मैं यहाँ पे ये बॉक्स बना रहा हूँ आपने ये कोट कर देनी है। तो यही फार्मूला बन गया प्रोडक्ट का। अब यहाँ पे जस्ट आप एक्स वाई और जी की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा इन तीन टर्म्स का, आप कह लें। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर ए। अब करते हैं पार्ट नंबर बी। तो अब मैंने यहाँ पर पार्ट नंबर बी लिख लिया है, उसकी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी नज़र आ रही है। लिखा हुआ है सम एस ऑफ द स्क्वायर ऑफ पी एंड द क्यूब ऑफ क्यू। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर आपने सम करना है, सम का मतलब है ऐड करना है, और सम को रिप्रेजेंट किससे करना है, एस से रिप्रेजेंट करना है। अब सम की जाहिर बात है जब भी आप सम करेंगे तो कम से कम दो चीज़ें तो होनी चाहिए, तो आगे वो बता रहे हैं किन दो चीज़ों का सम करना है आपने। तो लिखा हुआ है ऑफ द स्क्वायर ऑफ पी, यानी पी स्क्वेयर का, स्क्वेयर ऑफ पी का मतलब होता है पी के ऊपर पार्ट टू आएगी जिसको हम स्क्वेयर बोलेंगे, यानी पी स्क्वेयर बोलेंगे इसको। तो पी स्क्वेयर का सम करना है एंड द क्यूब ऑफ क्यू, और क्यू क्यूब का, यानी क्यू के ऊपर पार्ट थ्री आएगी क्योंकि क्यूब हम बेसिकली थ्री को बोलते हैं, तो क्यू के ऊपर पार क्या आएगी, थ्री की। यानी आपने सम करके दिखाना है पी स्क्वेयर का और क्यू क्यूब का। क्यूब का मतलब होता है पार्ट थ्री लिखनी है, या आप कह लें एक्सपोनेंट थ्री होना चाहिए, और स्क्वायर का मतलब होता है पार्ट टू लिखनी है, या आप कह लें एक्सपोनेंट टू होना चाहिए। तो इन दो चीज़ों का सम करके दिखाना है, और उसको आपने रिप्रेजेंट किससे करके दिखाना है, वो करके दिखाना है एस से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सम, क्योंकि हम फार्मूला बना रहे हैं तो यहाँ पर ये जिस चीज़ का फार्मूला है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो चीज़ यहाँ पर मैंशन की गई है उसी से स्टार्ट करना है। तो सम को एस से रिप्रेजेंट करना है तो एस से स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे इक्वल टू का साइन लगाना है, और जिन चीज़ों का सम करना है वो लिख देना है। पहले लिखा हुआ है पी स्क्वेयर, स्क्वेयर ऑफ पी का मतलब है पी के ऊपर स्क्वेयर आएगा, यानी आप यहां पे लिखेंगे p और इस पे डालेंगे स्क्वायर। तो ये हो गया p स्क्वायर। सम कर रहे हैं तो आपको जाहिर बात है ऐड का सिंबल यहां पे, यानी एडिशन का सिंबल, प्लस का सिंबल लगाना पड़ेगा। आगे किस में ऐड कर रहे हैं, क्यूब ऑफ q, तो क्यूब ऑफ q का मतलब है q के ऊपर आपको पार क्या लिखनी पड़ेगी, 3। तो ये आ गया सम ऑफ p स्क्वायर और q
क्यू क्यूब, तो यही जस्ट हमने फार्मूला बनाकर दिखाना था, तो ये बहुत इजीली हमारे पास हो गया। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर बी। अब करते हैं पार्ट नंबर सी। तो अब मैंने यहाँ पर पार्ट नंबर सी लिख लिया है। तो पार्ट नंबर सी में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एवरेज ए ऑफ फोर नंबर्स एम एन पी एंड क्यू। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे भी। तो एवरेज का क्या मतलब होता है और एवरेज लेने का तरीका क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूँ। जनरली एवरेज को यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, तो मैं भी यहाँ पे ए से लिख देता हूँ। एवरेज का मतलब होता है, जो फार्मूला होता है वो होता है सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स कह देता हूँ, यानी ऑल नंबर्स का मतलब है जिनकी एवरेज आप ले रहे हैं यहाँ पे, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी आप कह लें, ठीक है, या टोटल नंबर भी कह लें। फिलहाल ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अभी आप उसको डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। यानी एवरेज जब भी आप किसी चीज़ के निकालेंगे तो ऊपर उन जिन नंबर्स की एवरेज निकाल रहे हैं उनको सम करेंगे और नीचे उनकी जो तादाद होगी यानी जितनी क्वांटिटी में वो होंगे उनको यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। अब उनकी क्वांटिटी लाइक टू है तो टू लिख देंगे, थ्री है तो थ्री लिख देंगे, फोर नंबर्स है तो फोर लिख देंगे, ये इसका तरीका होता है। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि आप एवरेज निकाल कर दिखाएं और उसको ए से रिप्रेजेंट करें, कितने नंबर्स की, फोर नंबर्स की, ये बेसिकली क्वांटिटी है कि फोर नंबर्स हैं और कौन से हैं, एम एन पी एंड क्यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा एवरेज इज इक्वल टू, क्योंकि एवरेज को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्वल टू का साइन, इन फोर नंबर्स को पहले आप करेंगे सम, क्योंकि आपको मैंने एवरेज का फार्मूला बताया ऊपर आता है सम, तो सम आएगा इन फोर नंबर्स का जो कि एम एन पी एंड क्यू हैं। तो आप लिखेंगे एम प्लस एन प्लस पी प्लस क्यू, ये आपने इन सारे नंबर्स का कर दिया सम और इसको आपने डिवाइड कर देना है टोटल क्वांटिटी से, यानी टोटल क्वांटिटी का मतलब है कि ये नंबर्स हैं कितने। तो ये नंबर्स हैं फोर, यहाँ से भी आप गिन सकते हैं वन टू थ्री फोर, तो आप नीचे डिवाइड कर दें किससे, फोर से। तो ये आपका फार्मूला बन गया एवरेज ऑफ फोर नंबर्स का। तो यही हमने पार्ट नंबर सी में निकाल कर बताना था। तो ये हमारा पार्ट नंबर सी हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर डी पे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम टी इन मिनट्स फॉर आर ट्रेन जर्नी ऑफ ए आवर्स बी मिनट्स। तो यहाँ पे मैंने ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो इसका क्या मतलब है, पहले तो वो कह रहे हैं कि टाइम को आपने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करना है, यानी बेसिकली हम एक ऐसा फार्मूला बनाना जा रहे हैं जो कि टाइम से रिलेटेड होने वाला है। आगे इन मिनट्स का मतलब है आपने जो भी फार्मूला बनाना है उसमें जो भी टाइम आप मेंशन करेंगे वो इन मिनट्स होना चाहिए, ये उन्होंने खुद ही यहाँ पर बता दिया है। अब ये इसकी सिचुएशन भी बता रहे हैं कि किस चीज़ का टाइम है, फॉर अ ट्रेन जर्नी ऑफ ए ओवर्स बी मिनट्स। ए ओवर्स का मतलब है ए कोई भी लाइक नंबर होगा, यहाँ पे जस्ट ए लिख दिया गया है, जनरली ए का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। अब एक ट्रेन को जो जर्नी टाइम है वो बता रहे हैं, यानी एक ट्रेन लेट से आप खुद से इमेजिन कर लें कि एक ट्रेन है जो कहीं ए स्पॉट से बी स्पॉट पे गई है, तो उसको जो वक्त लगा है जो उसका जर्नी टाइम है वो यहाँ पे बताया गया है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ उसका जर्नी टाइम जो है वो यहाँ पे बताया गया है। तो जर्नी टाइम जो है यानी जो टाइम उसको लगा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है ए ओवर्स और बी मिनट्स, ए आवर्स और बी मिनट्स, यानी ए जो आवर्स में भी है और मिनट्स के अंदर भी है टाइम। तो आपसे वो कह रहे हैं एक ऐसा फार्मूला बनाकर दिखाएं जिसमें टाइम ही हो, यानी टाइम ही रिप्रेजेंट हो रहा हो लेकिन वो इन मिनट्स हो, और किस कौन सा टाइम हो, ट्रेन की जर्नी का। यानी आपने जस्ट ये जो ट्रेन का टाइम यहाँ पे दिया गया है जिसको जर्नी टाइम कह रहे हैं इसको इन मिनट्स लिख के दिखाना है और उसी से आपका ये फार्मूला बन जाएगा टाइम टी का। यानी ट्रेन को जो टोटल ये आपके पास टाइम लगा हुआ है इसको इन मिनट्स लिख के दिखाना है इन शॉर्ट। तो सबसे पहले देखें कि जो टाइम हमें पहले से दिया हुआ है उसमें बी तो पहले से मिनट्स के अंदर है, उसमें लिखा हुआ है बी मिनट्स, यानी बी तो पहले से मिनट्स के अंदर है लेकिन ए मिनट्स के अंदर नहीं है। यहाँ पे ए आवर्स लिखा हुआ है यानी ए के साथ घंटों के अंदर यूनिट है, आवर्स लिखा हुआ है, तो इसको पहले आपको मिनट्स में लेके आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ए आवर्स के बारे में कि ए आवर्स जो होंगे इनको आप किस तरीके से मिनट्स में लेके आ सकते हैं। आपको पता है कोई भी चीज़ आवर्स में लिखी हो उसको मिनट्स में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इसकी वजह से अगर कोई भी चीज़ घंटों में आए उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको करेंगे 60 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं ए को किस से मल्टीप्लाई करूँगा, 60 से, ताकि किस में आ जाए, मिनट में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 60 मल्टीप्लाई बाय ए और आगे मैं लिखूँगा मिनट्स। इससे ये पता चलता है कि एक इस इतने घंटों में इतने मिनट्स होंगे। अगर आपके पास यहाँ 5 आवर्स होते हैं और आपको उसको मिनट में कन्वर्ट करना होता तो आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 5 में कितने होंगे, 5 को 60 से कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे जनरली ए लिखा हुआ है और तो इसको मिनट्स में करने का भी क्या तरीका होगा, 60 को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 60
ए और ये आ जाएगा मिनट्स, यानी 60 को ए से मल्टीप्लाई किया तो वो 60 ए हो गया और यहाँ पे मिनट्स आ गया। अब हम बता सकते हैं इसका पूरा टाइम, जो टोटल टाइम है जर्नी का, वो कितना बनता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टी, क्योंकि टाइम को टी से रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन में बताया गया है। जो भी आपके पास ये वैल्यू है टोटल, उसको आप ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भी मिनट्स में है और जो इसके आगे लिखी हुई थी बी मिनट्स, ये पूरा एक ही टाइम था। सॉरी, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ये थोड़ा सा ठीक है। तो ये जो टाइम लिखा हुआ था यहाँ पे हमारे पास, ये पूरा का पूरा एक ही टाइम था, जिसमें जस्ट ये वाला प्रॉब्लम था, इसको मिनट्स में लेके आना था। तो जब ये भी मिनट्स में आ गया, ये पहले से मिनट्स है, तो टोटल टाइम कितना बनेगा, इन दोनों को एडिशन कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। तो ए आवर्स को तो मैं कन्वर्ट कर चुका हूँ 68 मिनट, तो मैं लिख दूंगा इसकी जगह पे 60 ए, और ये जो बी मिनट्स हैं ये जस्ट इसमें क्या हो जाएंगे, एड। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस बी। तो यानी जो टोटल टाइम बनेगा मेरे पास, वो आएगा 60 ए प्लस बी, यानी ये टोटल मिनट्स में है। वैसे भी आप याद रखें, सेम यूनिट सेम में ऐड होते हैं, तो अगर ए को बी में ऐड करना था तो उसके लिए लाजमी था या तो ए को मिनट्स में कन्वर्ट कर दो, जो कि मैंने कर दिया है, या बी को आवर्स में कन्वर्ट कर दो, तभी आप इनको ऐड कर सकते थे और बता सकते थे कि टोटल टाइम किसी एक यूनिट में ये बनता है। तो क्योंकि मिनट्स पे बनाना था, तो इसलिए मैंने ए को पहले मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, वो आ गया 60 ए। अब जब ए भी मिनट्स में है, बी भी मिनट्स में है, तो टोटल जर्नी टाइम जो है वो बनेगा इन दोनों को ऐड करने से। तो मैंने ए और बी को ऐड कर दिया, तो ए तो इन टर्म्स ऑफ मिनट बनता है 60 ए, तो देखिए मैंने 60 ए में ऐड कर दिया बी। तो यही मेरे पास वो फॉर्मूला बन गया जो कि टाइम का फॉर्मूला था और मैंने बनाकर दिखाना था, और ये मिनट्स में होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये इन मिनट्स होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।